अंडर 19 विश्व कप के पहले मुकाबले में नेपाल को मिली बड़ी हार। न्यूजीलैंड ने खड़ा किया रनों का पहाड़, नेपाल के बल्लेबाजों ने दिखाया दम, लेकिन रनों का पहाड़ चढ़ने में हो गए बेदम। फ्लैट पिच पर गेंदबाजों ने लुटाए रन, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने नेपाल की उड़ाई धज्जियां। पहले मुकाबले में नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने मिले हुए मौके को गंवा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 302 रनों का पहाड़ खड़ा करके नेपाल के खिलाड़ियों को दबाव में डाल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। नेपाल की तरफ से गुलशन झा ने 2 विकेट, सुभाष भंडारी ने 3 विकेट हासिल किए, लेकिन नेपाल का कोई भी गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड के कप्तान ऑस्कर जैक्सन और स्नेहित रेड्डी ने जबरदस्त धुनाई करते हुए नेपाल के खिलाफ 300 रनों से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया। स्नेहित रेड्डी ने 125 गेंदों में 147 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि ऑस्कर जैक्सन ने 81 गेंदों में 75 रनों की पारी खेलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। एक वक्त था कि न्यूजीलैंड के 67 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद नेपाल के गेंदबाज 224 रन तक यानी 30 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरा पाए। उसके बाद 302 रनों का पीछा करने उतरी नेपाल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 3 बॉल में ही ओपनर दीपक बोहरा कैच आउट हो गए, लेकिन अर्जुन कुमाल ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 90 रनों की शानदार पारी खेली। बल्लेबाज आकाश त्रिपाठी एक बार फिर फेल हो गए। कप्तान देव खनल ने भी 34 गेंदों में 36 रन की तेज पारी जरूर खेली, लेकिन वो टीम को आगे नहीं ले जा सके। विकेट कीपर उत्तम मगर गुलशन झा एक बार फिर फेल हुए। दीपक बोहरा, दीपेश कंडेल भी बल्लेबाजी में फेल साबित हुए। आखिरी में सुभाष भंडारी ने जरूर 52 गेंदों में 33 रन की बहुमूल्य पारी खेली और आकाश चंद के साथ एक बहुमूल्य साझेदारी की। आखिरी विकेट के लिए तिलक भंडारी ने भी 19 गेंदों में 17 रन बनाए, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 238 रन ही बना पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल एक बार फिर बड़ी साझेदारी करने में नाकामयाब रहा। गुलशन झा से टीम को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन गुलशन झा लगातार अंडर 19 में बल्ले से नाकाम रह रहे हैं, जबकि नेशनल टीम की तरफ से कई बार गुलशन झा ने बहुमूल्य रन बनाए हैं और शानदार पारियां खेली हैं। नियमित अंतराल में नेपाल के विकेट गिरते रहने से भी कोई बड़ी साझेदारी पनप नहीं पाई। यही वजह थी कि नेपाल को न्यूजीलैंड के आगे घुटने टेकने पड़े। अब नेपाल का अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है, ऐसे में नेपाल की राह कहीं से आसान नहीं है। नेपाल को अभी अपने अगले 2 मुकाबले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ खेलना है। ऐसे में अगर न्यूजीलैंड से हार से नेपाल ने कोई सबक नहीं लिया तो विश्व कप में नेपाल का सफर सिर्फ 2 मैचों का बाकी है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।